हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि बिहार में शिक्षक बहाली कब आएगी। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2.0 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। बम्पर नंबर ऑफ सीट्स के लिए वैकेंसी आई है, 6 टू 8 से लेके 11 12th, मतलब हर क्लास के लिए अच्छा खासा सीट निकल के आया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस क्लास के लिए कितने कितने टीचर का वैकेंसी आया है, एज लिमिट क्या होगा, एग्जाम की पैटर्न क्या होगी, मतलब कंप्लीट डिटेल में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंतजार कर रहे थे तो चलिए हम लोग फुल डिटेल में डिस्कशन को करते हैं। ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आप फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है फ्रेंड्स, बीपीएससी की तरफ से टीचर के लिए टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल पोस्ट की बात करें तो बम्पर सीट्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि 53,864 सीट्स के लिए, मतलब कि आपका 54,000 से 55,000 सीट के लिए वैकेंसी आई है। अब चलिए पहले हम लोग क्लास वाइज देख लेते हैं। क्लास 6 to 8 से लेके अगर हम बात करें तो 16,140 सीट के लिए वैकेंसी आई है। क्लास 9 to 10 के लिए स्पेशल टीचर की भी वैकेंसी आई है, तो क्लास 9 to 10 के लिए 18,877 सीट्स है। वहीं पर स्पेशल टीचर के लिए ना 270 सीट्स रखी गई है। क्लास 11 to 12 के लिए भी 18,577 सीट्स है, मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स है जिनके पास बीएड, सीटेट या फिर टीचर्स का जो होता है क्वालिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन में एक बार अच्छे से देख लेना, आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। रही बात की रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का जो डेट है फ्रेंड्स, 5 November to 14 November 2023 रखा गया है। आप लेट फी के साथ कब तक कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई, 17 November तक। अप्लाई की जो डेट है, आपका फॉर्म अप्लाई होगा 10 November to 25 November लास्ट डेट है। तो आपको 25 November या फिर 14 November का वेट नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन आप जितना जल्दी हो सके आप कर सकते हो। फिर फॉर्म जो अप्लाई होगा 25 के पहले पहले ही आप कर लेना है, बाद में सर्वर इशू की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो वो बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। चलिए अब बता देती हूँ फॉर्म की फी क्या रखी गई है। जनरल ओबीसी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट से लिया जाएगा 750 रुपीज। वहीं पर अगर आप एससी एसटी हो या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपसे यहाँ पर ना 200 रुपीज की फॉर्म फी ली जाएगी। वही फीमेल कैंडिडेट जो कि बिहार डोमिसाइल के, जिनका आवासीय है यहाँ के रहने वाले मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट, 200 रुपीज उनसे फॉर्म की चार्ज ली जाएगी। अब चलिए देख लेते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 August 2023। मिनिमम फॉर प्राइमरी टीचर 18 ईयर्स, मिनिमम फॉर टीजीटी एंड पीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स एंड आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं उनका 21 ईयर्स एज रखा गया है। अब मैक्सिमम एज की बात करूं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स रखा गया है। तो ये तो जो डिटेल वगैरह होते हैं वो है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपका पेपर होता है हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एग्जाम की पैटर्न रहने वाली है। आई होप कि जो पहले डिटेल बताई है आपको आप समझ गए होंगे, और अगर कोई आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम की पैटर्न। आपका जो पेपर होता है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पार्ट 1 में आपका भाषा यानी लैंग्वेज का पेपर होता है, 30 मार्क्स का होता है। हिंदी के रहेंगे 22 मार्क्स एंड इंग्लिश के 8 मार्क्स। क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा। उसके बाद इसमें देखा जाए कि पासिंग मार्क्स क्या रखा गया। पासिंग मार्क्स मिनिमम 9 मार्क्स के बाद आप पास कर सकते हो, बट आपको अच्छा स्कोर करना है। अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ एग्जाम देंगे तो आपको अपना स्कोर अच्छा रखना होगा। पार्ट 2 में जो आपका होता है ना सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के 40 मार्क्स के आपका एग्जाम होगा। पार्ट 3 में सब्जेक्ट वाइज मतलब जिस सब्जेक्ट से आप टीचिंग करोगे ना उस सब्जेक्ट रिलेवेंट आपको 80 क्वेश्चंस रहेंगे 80 मार्क्स के लिए। ओवरऑल अगर बात की जाए एग्जाम की पैटर्न की तो 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के लिए,
टाइम विल बी 2.5 आवर्स, मतलब ढाई घंटे में 150 प्रश्न 150 अंक के लिए आपको सॉल्व करना होगा। सबसे खास बात एग्जाम की है, कोई सा भी नहीं यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो अगर जिस क्वेश्चन पे आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है तो आप उसको छोड़िएगा नहीं, टिक लगा कर आइएगा, आपके गलत का यहाँ पर मार्क्स नहीं कट किया जाएगा। तो आई होप कि मैंने जो कुछ भी आपको डिटेल बताया बीपीएससी टीआरई 2.0 के रिगार्डिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर इसके बारे में ना आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको ना इसका नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे आप क्वालिफिकेशन या फिर और भी कोई जानकारी आपको मिस हो रही हो वहां पे जाके आप देख सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।